आज के दिन की मंगलमय कामना करते हुए हम लोग आज के अभ्यास की शुरुआत करेंगे। आज का विषय है प्रतिकार क्षमता को बढ़ाना। हमारी प्रतिकार क्षमता को हम लोग तीन बातों से बढ़ा सकते हैं। पहला है शरीर। शरीर की प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए हमको अपने शरीर के जो इंद्रिय है उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा। वो जितने क्रियाशील होंगे उतनी हमारी प्रतिकार क्षमता ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हमारे इंद्रियों को, हमारे शरीर के जो पुर्जे हैं, इंद्रिय है, उनको क्रियाशील करने के लिए जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम लोगों को कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं और जिसका नाम है प्राणायाम। सांस की प्रक्रिया जो प्राण शक्ति को प्रवाहित करती है, प्राणायाम का अर्थ है प्राण अधिक विस्तार, आयाम मतलब विस्तार। तो प्राण शक्ति का हमारे संपूर्ण शरीर में विस्तार करना मतलब प्राणायाम है। तो हम लोगों को सांस के अभ्यास को ठीक से समझना पड़ेगा। तीसरा है, जब हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय क्रियाशील होते हैं तब उनको नियंत्रित करने वाला मन, जब हमारा मन अच्छा होगा, मन सकारात्मक होगा, तो हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ सकती है, हम प्रतिकार कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया तीसरा आर्य सत्य कि कोई भी दुख है, बीमारी है, परेशानी है, तो उस सब का कारण है और उस कारण पर उपाय है। तो ये तीसरा आर्य सत्य है कि हर बीमारी का इलाज है और वो हम लोग नहीं मानते, इसलिए हम लोग भयभीत होते हैं। हमको ये बताया जाता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है तो हम लोग भयभीत होते हैं और भय ही हम लोगों को खा जाता है। इसलिए हम लोगों को मानसिक रूप से प्रबल होना है। तो आसन ये हमारे शरीर को ठीक करते हैं, प्राणायाम ऊर्जा को बढ़ाते हैं और ध्यान हमारी मानसिक प्रक्रिया को ठीक करता है, मन को प्रशिक्षित करता है। जब मन प्रशिक्षित होता है तब वह जानता है, जैसे ड्राइवर है किसी गाड़ी को चलाता है, वह जानता है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हुआ है। उसी प्रकार हमारा मन जानता है कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम हुआ है और तब वो उस कारण को जानने का प्रयास करता है कि हमारे ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, ये बीमारी क्यों हुई है, और फिर उस कारण का वह इलाज करता है और तब हम लोग ठीक होते हैं। तो ये तीनों बातों को हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग कुछ अभ्यासों को करेंगे जिनका हम लोग, जिसको हम लोग प्राणायाम कहते हैं। और प्राणायाम से पूर्व जो प्रारंभिक अभ्यास होते हैं वो है यौगिक श्वसन। तो यौगिक श्वसन हम लोग आज सीखेंगे। यौगिक श्वसन हम लोग तीन भाग में करते हैं। पहला है उदर श्वसन, दूसरा है सीने का श्वसन और तीसरा है यौगिक श्वसन। तो ये तीनों भाग हम लोग देखेंगे। आप लोग इन तीनों भागों का अभ्यास ठीक से कीजिएगा, जिससे हम लोग अपने इंद्रियों को ठीक कर सकते हैं।